मॉर्निंग बच्चों, हम लोग इस समय ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों के काव्यखंड से पहला पाठ जो है जिसका शीर्षक है पवन दूती का, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, तो हम लोग इनके पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इनके 16 पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं, आइए आज हम लोग उससे आगे के पदों की व्याख्या पढ़ें। कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो उनके सन्निकट तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देव आत्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका जी, हम लोगों ने पिछले पद का व्याख्या देखते पढ़ा था कि राधिका जी जो है वो हवास को भेजी है दूत बना करके, जिसके पास भेजे हैं तो वो अपने पेरेंट्स श्रीकृष्ण के पास भेजी है। ऊपर वाले पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि राधिका जी किस तरह से कृष्ण को गोपिकाओं की याद दिलाने की बात करते हैं, तो इस वाले पद में भी देखते हैं। प्रस्तुत पद में राधिका जी कहती हैं कि जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कह रही हे हवा, राधिका जी हवा से कह रही हे हवा, जब तुम उस सदन में जाएगी अर्थात जिस कमरे में मेरे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे रहेंगे, उस कमरे में जब तू जाएगी प्रवेश करेगी तो उस कमरे में को तुम चारों तरफ ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना, क्या उसमें कोई उद्यान मतलब कोई बगीचा का फोटो है। राधिका की हवा से करें कि हे हवा, तू जब जाएगी जिस कमरे में प्रवेश करेगी जहाँ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हुए होंगे वहाँ तू प्रवेश करेगी, तो वहाँ सबसे पहले जाकर के तू देखना कि क्या कोई उसमें चित्र उद्यान का है, बागीचे का है। यदि और ये ध्यान देना, यदि उसमें बागीचे में उद्यान में यदि उस सदन में कोई बागीचे का फोटो हो तो देखना, तो उसमें ये तुम ध्यान देखना कि क्या बहुत सारे प्राणी जो है बावले की तरह अर्थात पागलों की भांति इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राधिका भी हवा से कह रही हैं कि हे हवा, तू जब जाएगी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण इस कमरे में बैठे रहेंगे, उस कमरे में तू प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद तू ये देखेगी कि क्या उस कमरे में कोई ऐसी फोटो है जो जिसमें बागीचा हो, क्या बगीची वाली कोई फोटो हो। यदि तुम्हें उनके सदन में कोई बागीची वाली फोटो दिख जाए तो तुम ध्यान से उस फोटो को देखना और उसमें ये देखने की कोशिश करना कि क्या उसमें प्राणी जो है वो पागलों की भांति इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं तो जाके सन्निकट उनके और हिला से हिला के उसे भी, तो कह रहे हैं कि यदि तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके कमरे में कृष्ण के कमरे में कोई उद्यान का फोटो हो, चित्र हो, सीनरी हो, और उस फोटो में उस चित्र में प्राणी जो है पागलों की भांति इधर उधर घूमते हुए भागते हुए नजर आए, तो तू उस फोटो के निकट जाना हे हवा, तू उस फोटो के सन्निकट मतलब पास जाना, निकट जाना और उस फोटो को इस तरह से हिला दो। हिलाने का सेंस है कि उस फोटो को अपने हवा के झोंकों से इस तरह से हिलाना कि देव आत्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, करें कि उसको इस तरह से हिलाना कि देव आत्मा अर्थात देव आत्मा के समान हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जो है उनको सुरति मतलब याद होता है, हम ब्रजवासियों की याद आ सके, उनको हम व्याकुल ब्रजवासियों की याद भी आ सके जो हम लोग कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। क्या कह रहे राधिका जी कि हे हवा, जिस कमरे में मेरे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हुए होंगे उस कमरे में तू जाना और जाकर के चारों तरफ देखना कि क्या उस कमरे में कोई उद्यान अर्थात बागीचा वाला कोई फोटो टंगा हुआ है। यदि तुमको कोई बागीचे वाला फोटो टंगा हुआ दिखाई दे दे तो तू उस
फोटो के पास जाना, उस चित्र के निकट जाना और अपनी हवा की गति के माध्यम से, अपनी हवा के झोंकों के माध्यम से उस फोटो को इस तरह से हिलाना कि जो हमारे देवता के समान प्रियतम श्री कृष्ण है, देव आत्मा के तुल्य हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनको हम ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ सके कि हम जो ब्रजवासी हैं श्री कृष्ण के विरह में किस तरह से व्याकुल हैं, परेशान हैं। शायद वह व्याकुल और परेशान लोगों की जब फोटो देखेंगे तो उनको भी हम लोगों की याद आ सके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 18वां पर। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो दे ए पवन पतला फूल सी एक बाला, म्लानना म्लानना म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर आगे राधिका जी जो है कह रही है कि हे हवा, जब तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाएगी और यदि रास्ते में कोई तुमको मुरझाया हुआ गेह का मतलब होता है रास्ता, गेह का मतलब रास्ता, यदि तुम्हें कोई कुम्हलाया मतलब मुरझाया हुआ फूल तुम्हें दिखाई दे दे तो तुम उस फूल को अपने हवा की गति के माध्यम से उठा करके ले आना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तू उस फूल को लेकर के आना और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। क्या कह रही है राधिका जी कि हे हवा, तू इस रास्ते से हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के यहाँ जाएगी और वहाँ रास्ते में यदि कोई कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे, कुसुम मतलब फूल, कोई फूल दिखाई दे तो उस फूल को अपने हवा की झोंकों के माध्यम से उठाना और ले आकर के हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यो देना ए पवन बदला फूल सी एक बाला, म्लानना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो हे हवा, इस प्रकार से उस फूल को ले आकर के हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और उनको ये बताना, हे पवन, उनको उस फूल के माध्यम से बताना कि जिस प्रकार यह फूल मुरझा करके आपके चरण में पड़ा हुआ है, इसी तरह आप कि यहाँ आ जाने से दुखी ब्रज के वासी लोग भी आपके चरण पग को कमल के समान चरण को चूमना चाहते हैं, अर्थात उनका दर्शन करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे कमल, तू उसको बतलाना, हे हवा, तू श्री कृष्ण को उस फूल के माध्यम से बताना कि जिस प्रकार यह मुरझाया हुआ फूल आपके चरण में पड़ा है, आपके चरण को चूम रहा है, ठीक इसी प्रकार से राधिका जी भी, मुरझाई हुई राधिका जी भी आपके चरण के कमल को चूमना चाहती हूँ। फिर से देख लेते हैं, राधिका जी हवा से करें कि हे हवा, जिस रास्ते से तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाओगी उसी रास्ते में यदि तुमको कहीं मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे दे तो तू अपने हवा के गति के माध्यम से उस फूल को उठाना और ले जाकर के हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और उनको ये बताना कि जिस प्रकार से यह मुरझाया हुआ फूल आपके चरण कमल को चूम रहा है, ठीक इसी प्रकार से दुखी राधिका जी भी आपके कमल के समान चरणों को, कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे 19वां पद। जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुका वेणुसा कीच हो गौ। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे राधिका जी हवा से कह रहे हैं कि हे हवा, यदि मान लो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने कमरे में न मिले तो तुम कैसे बताओगे उनको हम लोगों की दुख की कथा। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े, हे हवा, यदि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण यदि अपने उपवन या वाटिका में खड़े हो, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण यदि अपने उपवन या वाटिका में खड़े हो तो तू देखना छिद्रों में जा पड़ित करना वेणु से कीचकों को। कीचक मतलब, कीचकों का मतलब होता है बास। तो वो अपने उद्यान या बागीचे में खड़े हुए तुमको दिखाई दे देंगे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण।
हे हवा तुम बांस के छेदों में घुस जाना, छिद्रों मतलब छेद, तू बांस के छेदों में घुस जाना, कड़ी मतलब बजाना, वेणु मतलब मुरली, और तुम बांस के छेदों में घुस जाना और बांस के छेदों में घुस करके मुरली की तरह उसको बजाना। क्या करे राधिका जी की, हे हवा यदि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तुमको कहीं अपने उपवन में खड़े हुए मिल गए या अपने बगीचे में खड़े हुए मिल गए तो तू देखना कि वहाँ पे जो बांस का पेड़ होगा, बांस होगा, उस बांस जो बांस लगा हुआ होगा उस बगीचे में, उस बांस के छेदों में घुस जाना और उस बांस के छेदों में घुस करके उस बांस को तुम बांसुरी की तरह बजाना। यो होवे की सूरत उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार जब तू उस बांस में के छिद्र में घुस करके उसको मुरली की तरह बजाओगी तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को बजाओगी तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुरति सारी गोपियाओं की याद आएगी। सुरति मतलब याद, गोपंगना मतलब सारी गोपाएं गोपियों का याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो गोपियां बहुत दिनों काल से, दीर्घ मतलब बहुत काल से श्रवण रुचि बंसी की आवाज सुनने के लिए व्याकुल है, आकुल है, परेशान है, क्या करें कि इस प्रकार उन गोपांगनाओं की उनको याद आ जाएगा कि जो गोपियां भी हैं वो भी बहुत समय से, बहुत लंबे समय से बंसी की आवाज सुनने के लिए उत्कंठित हैं, अर्थात लालायित हैं, व्याकुल हैं। फिर से देख लेते हैं, राधिका जी हवा से कह रही हैं कि हे हवा तुम जो तुमको यदि तुम जाओगी, यदि मानो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तुमको उपवन में खड़े मिल गए, अपने बगीचे में खड़े मिल गए तो वहां पे जो बांस है उस बांस के छेदों में तुम घुस जाना और उस बांस के छेदों में घुस करके उस बांस को तुम बांसुरी की तरह बजाना जिससे कि हमारे प्रियतम को श्री कृष्ण को सारी गोपिकाओं की याद आ जाएगी और उनको ये भी पता चलेगा कि सारी गोपिकाएं जो है वो बहुत समय से, लंबे समय से बंसी की आवाज सुनने के लिए लालायित है, उत्सुक है, आतुर है, व्याकुल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग 20वां देखें। राधिका जी पद, राधिका जी क्या कर रहे हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना ए भगिनी जल जा जतला एक अम्बोजन अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह मधुरा वारी में बोलती है। उसके बाद राधिका की हवा से कह रही कि हे हवा तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाना और वहां जाना तो कमल दल मतलब कमल की पंखुड़ियों को लेकर के जाना। कह रहे कि हे हवा तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाना तो वहां पे कमल की पंखुड़ियों को लेकर के जाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबोना, और कह रहे कि थोड़ा सा विपुल व्यग्र मतलब थोड़ा सा जल में ले लेना और उस जल में बहुत ही व्यापक होकर के, व्यक्त बहुत ही व्यापक होकर के उस कमल के दल को, उस कमल के पत्ते को डुबोना, फिर निकालना, फिर डुबोना। यो देना ए भगिनी जतला अम्बोजनेत्रा, करे कि यो देना हे भगिनी, भगिनी मतलब बहन, हे भगिनी जतला मतलब, जतला मतलब बताना, करे हैं अम्बोजनेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली, कह रहे हैं आगे राधिका की हवा से कि हे हवा हे भगनी अर्थात हे बहना इस प्रकार हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को यह बताना, यह जता देना, यह बता देना कि एक अम्बोज नेत्रा, कि एक अम्बोज नेत्रा अर्थात एक कमल के समान नेत्र वाली ही आंखों को विरह मधुरा वारी में बोलती है। एक कमल के समान अर्थात राधा जी जो है, एक कमल के समान राधिका जी जो है वो भी अपनी आंखों को इसी कमल दल के समान विरह रूपी जल में हमेशा डुबोती रहती हैं, विरह मधुरा वारी कहे कि इसी प्रकार राधिका अम्बोज नेत्र वाली अर्थात राधिका जी भी अपने आँखों को विरह रूपी जल में हमेशा
डुबोती रहती हैं। इसे देख लेते हैं, राधिका की हवा से कह रही कि हे हवा, जिस रास्ते से तुम मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास जाएगी, तो वहाँ जाने श्री कृष्ण के पास जाने से पहले कमल के पत्तों को ले लेना, कमल की पंखुड़ियों को ले लेना, और ले जा करके वहाँ पे उस पंखुड़ी को जल में बहुत ही आतुरता के साथ, व्याकुलता के साथ डुबोती रहना। इस प्रकार से हे बहना, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को यह बतला देना, यह जता देना कि इसी कमल के पंखुड़ियों के समान ही अम्बुज नेत्र वाली अर्थात राधिका जी भी अपने आँखों को, कमल के समान आँखों को विरह रूपी अग्नि में डुबोती रहती हैं, बार बार डुबोती रहती है। इसी प्रकार राधिका जी भी अपने आँखों को विरह रूपी अग्नि में डुबोती रहती हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट अगला इसका भाग कल पढ़ा जाएगा। बच्चों, जिस प्रकार की हर रोज मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ होमवर्क के रूप में देती हूँ, गृह कार्य के रूप में देती हूँ, मैं आज भी आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी कि 19वां और 20वां फिर से बोल रही हूँ, 19वां और 20वां पद का व्याख्या आप अपने कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास कि आप लोग कही हुई बातों का ध्यान करेंगे, आप लोग करेंगे भी। आप लोग का इसका ट्वेल्थ क्लास है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, बार बार व्याख्या को पढ़िए, समझिए और उसको फिर लिख लिया करिए। दो ठो व्याख्या का अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।